ये है वन प्लस का न्यूली लॉन्च वन प्लस नॉट 3 एंड ये है IQ का दमदार फोन जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है IQ Neo 7 Pro। इन दोनों ही फोन्स की प्राइस लगभग सेम है, इसलिए लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं कि कौन सा फ़ोन लिया जाए। तो बेफिक्र रहिए, आपने डीप टेक को सब्सक्राइब करा हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इन डेप्थ में ऑनेस्टली इसका कंपेरिजन देने वाला हूँ। मैंने हर छोटी बड़ी चीज़ को इसमें इंक्लूड करा है, तो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना। लास्ट तक वीडियो देखने पर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी यूसेज के हिसाब से आपको कौन सा फ़ोन लेना है। एंड इन दोनों ही फोन्स को मैंने खुद सिर्फ आप लोगों के लिए बाय करा है, आप बिल यहाँ पर देख सकते हैं। कंपनी का इसमें कोई भी रोल नहीं है, ना ही ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है। दोनों ही फोन्स के बॉक्स में आपको सारी एसेंशियल चीजें मिल जाएंगी, लेकिन वन प्लस के साथ अच्छी क्वालिटी वाला टीपीयू केस आता है। दोनों के ही बॉक्स में आपको चार्जर इंक्लूडेड मिल जाता है। वन प्लस में 80 वॉट का चार्जर आता है, वहीं IQ में आपको 120 वॉट का PD चार्जर मिलता है जिससे आप अपने लैपटॉप को भी चार्ज कर सकते हैं। इन दोनों फोन्स के लुक एंड फील की बात करें तो यहाँ पर मैंने बहुत सी चीजें नोटिस करी है, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। IQ का यहाँ पर इन हैंड फील ज्यादा ग्रिपी है क्योंकि इसके बैक में आपको लेदर फिनिश देखने को मिल जाता है, पीछे से हल्का सा कर्व्ड है जिसके कारण ग्रिप आपको बहुत मजबूत मिलती है। वहीं वन प्लस के बैक में आपको ग्लास मिल जाता है जो कि ऑब्वियस सी बात है ज्यादा प्रीमियम लगता है, लेकिन इसकी एजेस स्क्वायरिश है जिसके कारण ये फोन सुपर स्लिपरी बन जाता है। कवर के बिना आप वन प्लस नॉट 3 को यूज नहीं कर पाएंगे। दोनों ही फोन यहाँ पर 30,000 रुपए के ऊपर है, लेकिन सैडली यहाँ पर मेटल फ्रेम नहीं दिया गया है। दोनों ही फोन में आपको प्लास्टिक का फ्रेम मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक के फ्रेम होने के बावजूद भी दोनों ही फोन अच्छे खासे मजबूत हैं। पोर्ट्स की बात करें तो आप हेडफोन दोनों ही फोन में नहीं लगा पाएंगे। टीवी AC कंट्रोल करने के लिए आपको IR ब्लास्टर अपर साइड देखने को मिल जाता है। वन प्लस में एक एडवांटेज है, इसमें आपको वन प्लस का आइकोनिक अलर्ट स्लाइडर मिल जाता है जो कि एक वन प्लस यूजर ही समझ सकता है कि ये कितने काम की चीज है। वहीं जो सिम ट्रे, दोनों में ही आप 2 5G सिम लगा पाएंगे। एक्सटर्नल SD कार्ड का स्लॉट दोनों ही फोन में नहीं है। हैप्टिक्स की बात करें तो दोनों ही फोन में टाइपिंग करते टाइम ठकटक वाला फ्लैगशिप एक्सपीरियंस मिल जाएगा, लेकिन वन प्लस की UI में हैप्टिक्स को बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करा है हर जगह, जैसे कि ऐप स्विचिंग, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन, यहां तक कि फोटो अनज्यूमिंग में भी आपको वाइब्रेशन फीडबैक मिल जाता है। फिंगरप्रिंट की बात करें तो दोनों ही फोन्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है एंड यहाँ पर दोनों ही फोन्स की स्पीड झक्कास है, एक टैप पर ही दोनों ही फोन्स अनलॉक हो जाते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग विदाउट अनाउंसमेंट के आप दोनों ही फोन्स में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी जुगाड़ करनी पड़ेगी। वन प्लस में सिंपली प्ले स्टोर पर जाना, ओ डायलर को इंस्टॉल कर लेना, वहां पर कॉल रिकॉर्डिंग हो जाएगी। IQ में आपको क्या करना है, सिंपली सेटिंग में जाना है, ऐप्स में जाना है, वहां पर आपको अल्टरनेट कॉन्टेक्ट एंड फोन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वहां से IQ का जो नॉर्मल डायलर है उसको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आप यहां पर भी कॉल रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। बात कर लेते हैं यहां पर डिस्प्ले की। दोनों ही फोन में आपको फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, लेकिन यहां पर जो वन प्लस है उसका जो रेजोल्यूशन है वो आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। वन प्लस में आपको 6.74 इंच का एक 1.5K फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, वहीं IQ में 6.78 इंच का एक 1080p एमोलेड डिस्प्ले लगा है। दोनों में ही HDR 10 प्लस का सपोर्ट है, दोनों में ही आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। मल्टीमीडिया कंजप्शन की बात करें तो HDR कंटेंट दोनों ही फोन में 4K पे बिना अटके चल जाते हैं, लेकिन वन प्लस में आपको HDR कंटेंट देखने में हल्की सी ब्राइटनेस की कमी महसूस हो जाएगी। मैंने इनके डिस्प्ले की हर सेटिंग को चेक कर लिया, वन प्लस में अंदर से जाकर सारे वीडियो मोड को ऑन भी कर दिया था, जैसे कि इमेज शार्पनर, वीडियो कलर बूस्ट, ब्राइट HDR वीडियो मोड, इन सबको ऑन करने के बाद भी IQ का डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट दिखता है इन HDR कंटेंट। वहीं अगर मैं नॉर्मल 4K वीडियो की बात करूं तो दोनों की ही सेम क्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी। वन प्लस के डिस्प्ले की यहां पर मैं तारीफ करना चाहूंगा ओनली ऑन नॉर्मल यूसेज। नॉर्मल यूसेज में यहां पर वन प्लस का डिस्प्ले ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, शार्प लगता है, बिकॉज वन प्लस का एक तो रेजोल्यूशन ज्यादा है, वहीं बेजल्स भी आपको वन प्लस में बहुत ज्यादा कम देखने को मिल जाते हैं कंपेयरिंग टू IQ। आउटडोर में मुझे कोई इशू नहीं आया, दोनों ही फोन डायरेक्ट सनलाइट में अच्छे खासे काम करते हैं। वैसे नॉट की ब्राइटनेस हल्की सी ज्यादा है, नॉट्स में आपको 1415 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाती है, वहीं IQ में आपको ओनली 1300 निट्स की ब्राइटनेस मिल जाएगी। यहां पर 120 हर्ट्ज को भी लेकर मुझे कुछ कहना है। IQ की प्यूरी UI में 120 हर्ट्ज चलता है, सारी एप्लीकेशन में 120 हर्ट्ज चल जाता है, एंड जिनमें नहीं चलता है तो IQ में अंदर से ऑप्शन है, आप जाकर उस ऐप को 120 हर्ट्ज पर सिलेक्ट कर दीजिए, वो एप्लीकेशन 120 हर्ट्ज पर चलने लग जाएगी। ऐसा कुछ आपको वन प्लस में देखने को नहीं मिलता है, कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जो 60 हर्ट्ज पर आती हैं एंड आप अंदर से जाकर उसको 120 हर्ट्ज पर भी नहीं कर सकते हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। एंड इन दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए मुझे घंटों तक टेस्टिंग करनी पड़ी है, इसलिए अगर अभी तक वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। शुरुआत करते हैं यहां पर प्रोसेसर से। तो IQ में आपको स्नैपड्रैगन का 8 Gen+1 प्रोसेसर मिल जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल फ्लैगशिप प्रोसेसर है। वहीं वन प्लस नॉट 3 में भी आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 9000 मिलता है, यह भी अच्छा खासा पावरफुल है। मैंने कुछ टेस्ट करे थे, वैसे दोनों ही फोन में मैक्स पावर निकालने के लिए आपको अंदर से जाके परफॉर्मेंस मोड ऑन करना पड़ता है। IQ में उसे मॉन्स्टर मोड कहते हैं, बैटरी सेक्शन में आपको ये ऑप्शन
मिल जाएगा। पहले यहाँ पर ऑन टू स्कोर देख लो, जब मैं परफॉर्मेंस मोड ऑफ करके स्कोर लेता हूँ तो यहाँ पर दोनों ही फोन्स के जो स्कोर्स हैं वो कम आते हैं, वहीं जैसे ही मैं परफॉर्मेंस मोड ऑन करता हूँ तो यहाँ पर दोनों ही फोन्स के जो स्कोर हैं वो बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों ही सिनेरियो में आईक्यू ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। बात करते हैं यहाँ पर सीपीयू थ्रॉटलिंग की, तो आप देख सकते हैं वन प्लस के स्कोर कम आते हैं लेकिन थ्रॉटल नहीं करता है क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस मोड ऑफ है। वहीं जब मैं परफॉर्मेंस मोड ऑन करके सीपीयू थ्रॉटलिंग करता हूँ तो यहाँ पर वन प्लस आईक्यू को स्कोर में तो बीट करता है लेकिन यहाँ पर थ्रॉटलिंग अच्छी खासी आपको मिल जाती है। दोनों में यहाँ पर आपको स्टोरेज टाइप UFS 3.1 मिलती है, दोनों की रीड राइट स्पीड यहाँ पर बढ़िया है। गीकबेंच की बात करें तो अगेन आईक्यू यहाँ पर विन कर जाता है। ये तो हो गई नंबर्स की बात, अब चलते हैं यहाँ पर असली नॉर्मल लाइफ टेस्टिंग पर। मैंने यहाँ पर एक एक करके दोनों ही फोन्स में ऐप ओपन करी। नॉर्मल एप्स कभी आईक्यू जल्दी ओपन कर लेता है तो कभी वन प्लस ओपन कर लेता है, लेकिन जब हैवी गेम्स की बात आती है आईक्यू यहाँ पर वन प्लस को इजिली बीट कर देता है। मैंने इसमें BGMI ओपन करा था, आईक्यू अच्छे खासे मार्जिन से जीत जाता है। वहीं मैंने दोनों ही फोन्स में सेम वीडियो को काइनमास्टर में रेंडर किया, इसमें भी आईक्यू अच्छे मार्जिन से जीत जाता है। ये टेस्ट मैंने लगातार 4 से 5 बार करा था एंड मुझे सेम ही रिजल्ट्स मिले थे। मल्टीटास्किंग की भी यहाँ पर कहानी सुन लो, दोनों में ही 8GB की रैम मिल जाती है लेकिन नॉर्ड में अच्छी रैम लगी है LPDDR5X, वहीं आईक्यू में आपको LPDDR5 वाली रैम मिल जाती है। स्पेक वाइज वन प्लस की ज्यादा बेटर है लेकिन टेस्ट में वन प्लस गैलरी को भी रिलोड कर देता है, BGMI को भी रिलोड कर देता है, यहाँ तक कि इंस्टाग्राम थ्रेड को भी वन प्लस रिलोड कर देता है। को यहाँ पर सॉफ्टवेयर इश्यू हो, वन प्लस को यहाँ पर अपडेट देकर इस चीज को सॉल्व करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर वन प्लस का प्राइस 34,000 रुपीज है एंड इस प्राइस रेंज में अगर मल्टीटास्किंग में इश्यू आ रहा है तो वो वर्थ इट नहीं होता है। बाकी का यहाँ पर जनरल परफॉर्मेंस आपको दोनों ही फोन्स में रॉकेट की तरह मिल जाती है, एप्स फटाफट ओपन हो जाती है, फोन दोनों ही बहुत ही फास्ट चलते हैं, यहाँ तक की एप स्विचिंग भी आपको बहुत ही स्मूथ मिल जाएगी। अब यहाँ पर बात कर लेते सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो मुझे पर्सनली वन प्लस की ऑक्सीजन ओएस ज्यादा बेटर लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आईक्यू का जो फ्रंट टच ओएस है वो बेकार है, दोनों के ही सॉफ्टवेयर यहाँ पर बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज है। बस जब आईक्यू को यहाँ पर पहली बार बूट करो तो हॉट एप्स हॉट गेम्स फोल्डर को डिसेबल कर देना एंड आईक्यू में जो डिफॉल्ट ब्राउजर आता है उसकी नोटिफिकेशन को बंद कर देना, बस इतना करने से आईक्यू भी क्लीन हो जाता है। दोनों ही फोन्स में यहाँ पर खुद का एप स्टोर नहीं है जो कि एक वरदान ही मान लो, क्योंकि वीवो एंड रियलमी में आपको उनका खुद का एप स्टोर देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ज्यादा ऐप रिकमेंड करता है एंड आपकी UI एक्सपीरियंस को पूरा बेकार कर देता है। सॉफ्टवेयर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर वन प्लस हल्की सी एज ले जाता है, वन प्लस में आपको 3 ईयर्स के मेजर अपडेट देखने को मिल जाते हैं, वहीं आईक्यू में आपको ओनली 2 साल के ही मेजर अपडेट मिलेंगे। बात कर लेते हैं यहाँ पर गेमिंग की, तो डायरेक्ट वर्डिक्ट देना चाहूंगा आईक्यू बहुत अच्छी गेमिंग करता है कंपेयरिंग टू वन प्लस। यहाँ पर इन दोनों ही फोन्स की गेमिंग को टेस्ट करने के लिए मैंने दोनों ही फोन्स में दबाकर BGMI खेला है। BGMI आईक्यू में जल्दी ओपन हो जाता है, ग्राफिक्स भी दोनों में ही सेम आपको देखने को मिल जाएंगे HDR पर एक्सट्रीम, लेकिन आईक्यू में इंडिपेंडेंट गेमिंग चिप मिलती है, उसके कुछ बेहतरीन फीचर हैं जो गेमिंग को नेक्स्ट लेवल ले जाते हैं, जैसे कि गेम फ्रेम इंटरपोलेशन, इसको ऑन करने से आईक्यू में गेमिंग 120fps तक चली जाती है, मोशन कंट्रोल भी मिल जाते हैं, लेफ्ट या राइट टिल करने पर कस्टम एक्शन करता है। वन प्लस में ये एडिशनल फीचर मिसिंग है लेकिन यहाँ पर वन प्लस भी अच्छी खासी गेमिंग कर लेता है। दोनों ही फोन्स का यहाँ पर जो हीट मैनेजमेंट है वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, बहुत देर तक गेमिंग करने पर भी दोनों ही फोन्स हीट नहीं होते हैं। यहाँ पर ओवरऑल गेमिंग के बारे में बताऊं तो आईक्यू यहाँ पर थोड़ी बेहतर गेमिंग कर लेता है। आईक्यू का रिएक्शन टाइम मूविंग टाइम ज्यादा बेटर है कंपेयरिंग टू वन प्लस नॉट 3, बिकॉज आईक्यू में आपको 12 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिल जाता है, वही नॉर्ड में ओनली 1000 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। नॉर्मल एंड हैवी गेमिंग दोनों ही फोन्स में अच्छे से हो जाती है, लेकिन अगर आपकी यहाँ पर मेन प्रायोरिटी गेमिंग है, आप एक हार्डकोर गेमर है, तो आई थिंक आपको आईक्यू की तरफ जाना चाहिए। बात कर लेते हैं यहाँ पर बैटरी परफॉर्मेंस की, तो दोनों ही फोन्स में आपको 5000mAh की मैसिव बैटरी देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पर दोनों ही फोन्स की जो बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है वो बहुत शानदार तरीके से करा गया है, दोनों ही फोन्स आराम से एक दिन आपका निकाल देंगे। बस यहाँ पर आपको चार्जिंग स्पीड में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, वन प्लस के साथ 80W का चार्जर आता है जो कि 40 मिनट में आपके पूरे फोन को चार्ज कर देगा, वहीं आईक्यू की बात करें तो इसके अंदर आपको 120W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। ये एक PD चार्जर है, इससे आप अपने लैपटॉप को भी चार्ज कर सकते हैं एंड ये आईक्यू न्यू 7 प्रो को 30 मिनट में चार्ज कर देता है। बैटरी एंड चार्जिंग यहाँ पर दोनों ही फोन्स की सॉर्टेड है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि है कैमराज। दोनों ही फोन्स में आपको 50 MP का मेन सेंसर देखने को मिल जाता है, आईक्यू में यहाँ पर सैमसंग का सेंसर लगा है, वहीं वन प्लस नॉट 3 में आपको सोनी का सेंसर देखने को मिल जाएगा। वैसे यहाँ पर एक दिक्कत है, अगर आपको 50 MP से फोटो लेना है तो अंदर से जाकर आपको 50 MP ऑन करना पड़ेगा, नहीं तो 12 MP से शॉट आते हैं। एक चीज यहाँ पर नोट की अच्छी है कि एक बार अगर आपने 50 MP को ऑन कर दिया तो अगर आप कैमरा को क्लोज भी कर दो तब भी 50 MP ऑन रहता है, आईक्यू में ऐसा नहीं है। 50 MP ऑन करने के बाद अगर आप फोन के कैमरे को बंद करते हैं तो यहाँ पर अगेन आपको 50 MP कैमरे के अंदर जाकर ऑन करना पड़ेगा। अपन सीधे चलते हैं यहाँ पर रिजल्ट्स पर। पहले विदाउट 50 MP यानी कि 12 MP शॉट्स की बात करें तो दोनों में ही शॉट्स में डायनेमिक रेंज की वॉट लग जाती है, वन प्लस की इमेज को ज्यादा कंट्रास्टी आती है, वहीं आईक्यू स्किन को गोरा करने के चक्कर में स्किन टोन को पूरा रेडिश कर देता है। जूम करने पर यहाँ पर दोनों ही शॉट्स में आपको डिटेल्स की कमी महसूस हो जाएगी, बस यहाँ पर आईक्यू का फोटो थोड़ा सैचुरेटेड आता है जिसके कारण फोटो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है लेकिन यहाँ पर क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलेगी।
दिखेगी। वही मैं अगर बात करूं 50 मेगापिक्सल शॉट की तो डिटेल जूम करने पर आपको OnePlus में ज्यादा सही दिखती है। IQ में डिटेल्स यहां पर फेड होने लगती है। आप यहां पर शर्ट पर गौर से देख सकते हैं डिटेल सही नहीं मिलेगी। इसमें भी अगेन IQ के शॉट में रेडिश टोन मिल जाएगी एंड फोटो में कलर्स भी थोड़े सैचुरेटेड है। वही OnePlus में कलर फ्लैट आते हैं, कंट्रास्ट अच्छे से मैनेज कर लेता है। डिटेल्स भी यहां पर OnePlus ही सही तरीके से मैनेज करता है। ओवरऑल 50 मेगापिक्सल के लिए मुझे इन दोनों फोन में से एक फोन चूज करना होगा तो यहां पर मैं OnePlus को चूज करूंगा, क्योंकि OnePlus के शॉट्स में आपको डिटेल थोड़ी ज्यादा बेहतर मिल जाती है। अब यहां पर बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट्स की, तो दोनों के ही 1x पोर्ट्रेट में लगभग सेम ही रिजल्ट्स आते हैं। हल्की सी डिटेल आपको OnePlus में ज्यादा मिलेगी। वहीं IQ थोड़ा गोरा करने पर फोकस करता है जिसके कारण स्किन टोन एंड फोटो के कलर्स थोड़े सैचुरेटेड आते हैं। बैकग्राउंड ब्लर दोनों में ही लगभग सेम है। एज डिटेक्शन में भी दोनों दिक्कत नहीं करते हैं, लेकिन IQ यहां पर पोर्ट्रेट में इजिली विन कर जाता है, क्योंकि IQ से आप 2x पोर्ट्रेट ले सकते हैं जिससे क्वालिटी डिसेंट आ जाती है। ये चीज OnePlus से मिसिंग है। एक चीज और यहां पर मैंने नोटिस करी, IQ का जो फोटो ऑटो फोकस है वो अच्छा काम करता है, हार्ड सिचुएशन में भी अच्छे से फोकस कर लेता है। वही OnePlus अगर थोड़ी हार्ड सिचुएशन आती है तो ये चीज हैंडल नहीं कर पाता है। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर छोटा होगा तो OnePlus फोकस करने में रुला देगा। बात करते हैं यहां पर अल्ट्रा वाइड की, तो 8 मेगापिक्सल जैसी क्वालिटी आपको दोनों ही फोन्स में मिल जाएगी। दोनों ही फोन्स की क्वालिटी लगभग सेम है, बस IQ अगेन थोड़े सैचुरेटेड कलर देता है। वही OnePlus कलर फ्लैट रखता है। दोनों के फोटोज को जूम करने पर क्वालिटी फट जाती है। अल्ट्रा वाइड आपको दोनों ही फोन्स में डिसेंट टाइप का मिल जाएगा। बात करते हैं यहां पर वीडियोस की, तो दोनों ही फोन्स में आप मैक्स 4K 60fps वीडियो बना पाएंगे, लेकिन OnePlus में वीडियो ओवरशॉट हो जाती है लेकिन डायनेमिक रेंज सही से आती है। वहीं IQ में कंट्रास्ट तो सही है लेकिन डायनेमिक रेंज कंट्रोल इतना खास नहीं है। स्टेबलाइजेशन यहां पर IQ का ज्यादा अच्छा है। वीडियो में ऑटो फोकसिंग भी दोनों की ही मस्त है। ओवरऑल यहां पर दोनों वीडियो सैंपल को अच्छे से देखने के बाद एक सैंपल चूज करना हो तो यहां पर मैं IQ की तरफ जाऊंगा। फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोनों ही फोन्स में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है, लेकिन OnePlus ज्यादा बेटर डिटेल वाली सेल्फी लेता है। जूम करने पर भी OnePlus के शॉट में डिटेल नहीं फटती है। बात करते हैं IQ की, IQ को जूम करने पर डिटेल इतनी अच्छी नहीं देखने को मिलती है। फेस को थोड़ा ऑरेंज टाइप कर देता है एंड यहां पर जो फेस की डिटेल है वो भी मिसिंग आउट लगती है। वहीं जो पोर्ट्रेट सेल्फी है उसमें भी OnePlus ज्यादा बेटर रिजल्ट देता है। ब्लर दोनों में ही सेम आता है, एज डिटेक्शन भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। वहीं जो फ्रंट वीडियो क्वालिटी है वो दोनों में इतनी खास नहीं है। दोनों ही मैक्स 1080 30fps पर वीडियो बना लेते हैं। अगर आपके यहां पर मेन प्रायोरिटी रील्स एंड शॉर्ट्स बनाना है तो आई थिंक आपको दोनों ही फोन्स को स्किप करना पड़ेगा। ओवरऑल यहां पर कैमरास की हर एक चीज कंसीडर करके मेरा मेन वर्डिक्ट दूं तो मैं यही कहूंगा जो मैंने IQ के मेन इनडेप्थ रिव्यू में कहा था कि IQ का कैमरा 35,000 लायक नहीं है। एंड मैंने सोचा था कि OnePlus के कैमरास थोड़े अच्छे काम करेंगे, लेकिन यहां पर भी वही सेम सिचुएशन है। OnePlus Note 3 के भी कैमरास अंडर 35,000 के लायक नहीं है। अगर आपकी यहां पर मेन प्रायोरिटी कैमरास है, आपके लिए कैमरा बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो आई थिंक यहां पर आपको दोनों ही फोन्स को स्किप करना चाहिए एंड बिग बिलियन डे का वेट करना चाहिए। वहां पर आपको iPhone 12 35,000 rupees के अंडर देखने को मिल जाएगा। iPhone 12 के कैमरास इन दोनों फोन से काफी ज्यादा बेहतर है। अब यहां पर बात कर लेते हैं मेन कंक्लूजन की, तो देखो जितना भी मैंने दोनों फोन को यूज करा है दोनों ही जनरल परफॉर्मेंस में रॉकेट की तरह चलते हैं। बस यहां पर ज्यादा हैवी टास्क में IQ विन कर जाता है। IQ की पूरी UI में 120Hz चलता है एंड गेमिंग भी आपको IQ में ज्यादा बेटर देखने को मिल जाती है। अगर आपकी मेन प्रायोरिटी परफॉर्मेंस रिलेटेड है तो आपको IQ की तरफ जाना चाहिए। वहीं अगर आपके लिए डिजाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको डिस्प्ले में ज्यादा क्लैरिटी चाहिए इन जनरल यूसेज एंड आपको बेजल्स भी कम चाहिए, वहीं आपको सिक्योरिटी अपडेट भी ज्यादा चाहिए, तो आप OnePlus की तरफ जा सकते हैं। OnePlus में आपको 3 साल के मेजर अपडेट मिलते हैं, वहीं IQ में आपको ओनली 2 साल के ही मेजर अपडेट मिलेंगे। आई होप आज के इस डिटेल कंपैरिजन में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे एंड अगर फिर भी कुछ बचा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मैं मिलता हूं बहुत जल्दी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर।